Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I'm back with another video from Kingdom Animalia. And aaj hum log discuss karenge phylum Platyhelminthes. So Platyhelminthes, the phylum which is commonly called as flatworms, because platy ka matlab hi flat hota hai and helminthes means worm. Worm jante hai na aap log, worm mein अर्थवर्म इज अ वेरी कॉमन क्रिएचर जो आप लोगों ने देखा भी है एंड जो आप लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है. बट Platyhelminthes के जो वर्म है ना, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्थवर्म. उसका एक रीजन है, अर्थवर्म में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज अर्थवर्म इज अ काइंड ऑफ राउंड वर्म, बॉडी इसका बिल्कुल इस मार्कर की तरह है, राउंड है. बट अर्थवर्म में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या प्रेजेंट है, उसकी बॉडी सेगमेंटेड है. सेगमेंटेड का मतलब बॉडी में नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं एंड दैट रिंग ऑफ सेगमेंट्स आर कॉल्ड एन्यूलाई, और उसी रिंग लाइक सेगमेंट्स पे ये नाम दिया गया एनिलिडा, बिकॉज दैट रिंग लाइक सेगमेंट्स आर एन्यूलाई. तो फ्रॉम एन्यूलाई द टर्म गिवन टू दैट फाइलम एनालिड्स. बट Platyhelminthes इज टोटली डिफरेंट फाइलम, बिकॉज इसका रीजन ये है दैट दिस वॉर्म इज अनसेगमेंटेड. तो एक बेसिक डिफरेंस तो क्लियर ना, फ्रॉम द अर्थ वॉर्म टू द फ्लैट वॉर्म, क्लियर. तो दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अनसेगमेंटेड वॉर्म, क्लियर, बिकॉज Platy मीन्स फ्लैट एंड Helminthes मीन्स वॉर्म. अब एक चीज आपको पता है, ये प्रिमिटिव बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं. बाइलेटरल सिमेट्रिकल तो आप जानते हैं ना, अगर ऑर्गेनिज्म वर्टिकल प्लेन से टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाए तो वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल कंडीशन होती है. मीन्स अगर मैं इस फाइलम के सिमेट्री की बात करूं तो सिमेट्री इज बाइलेटरल, ओके. और बहुत से फाइलम्स आप आगे पढ़ोगे जहां आप रेडियल सिमेट्री भी पढ़ोगे, विच मीन्स मोर देन टू हाफ. अगर इस चीज को समझना है ना, तो टेक वन एप्पल, अगर आप एक एप्पल को टू पीसेस में कट करें तो दैट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल. बट सेम एप्पल को आप फोर पीसेस में कट करें तो रेडियल सिमेट्रिकल. तो फाइलम Platyhelminthes की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है, ये प्रिमिटिव बाइलेटरल सिमेट्रिकल फाइलम तो है ही है, प्रिमिटिव बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स वाला फाइलम है एंड ये ट्राइक्लोब्लास्टिक भी है. ट्राइक्लोब्लास्टिक का मतलब जानते हैं ना, थ्री जर्म लेयर्स, जैसा हमारी बॉडी में भी है, एक्टोडर्म आउटर, मीजो मिडिल वन एंड एंडो इनर वन. सो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. तो ट्राइक्लोब्लास्टिक में आउटर वन इज एक्टोडर्म, मिडिल वन इज मीजोडर्म एंड इनर वन इज एंडोडर्म. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस फाइलम से रिलेटेड क्लियर ना, प्रिमिटिव बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड प्रिमिटिव ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. नंबर टू, इस फाइलम को ऑसिलोमेट्स भी बोलते हैं. ऑसिलोमेट्स का मतलब, इससे पहले मैंने टू फाइलम्स आप लोग को बताए थे ना, चाहे वो फाइलम पोरिफेरा हो या फाइलम निटेरिया हो, तो ट्रू गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी वॉज देयर. आपको याद होगा स्पॉन्जेस में उस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं एंड निडेरिया में सिलेंटिरॉन बोलते हैं, इसलिए निडेरिया को सिलेंट्रेटा बोला जाता है. बट यहां सिलोम टोटली एब्सेंट है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट सिलोम इज टोटली एब्सेंट. अब होगा क्या, सपोज ये इसका कैविटी है, अभी मैं इस चीज को प्लानेरिया में शो नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज आपको बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे. तो सपोज ये कैविटी है जिसको हम बाकी फाइलम्स के ऑर्गेनिज्म में, अगर वो सिलोमेट्स है तो सिलोम बोलते हैं. बट इस फाइलम की कंडीशन में क्या होता है, सिलोम्स आर फिल्ड विद मीजोडर्मल सेल्स. तो ये पूरा एम्प्टी स्पेस फिल्ड है विद मीजोडर्मल सेल्स. That's why this phylum belongs with a coelomates animal. ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि स्पेसिस जो है वो मीजोडर्मल सेल से फिल्ड होते हैं. तो अ coelomates
एंड स्पेसिस आर फिल्ड विद मेसोडर्मल सेल्स, एंड ये चीज तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीस, दे शोज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, निडेरिया में सेल ट्रांसफॉर्म्स और ग्रुप इन टू टिश्यू, एंड प्लैटिहेल्मिन्थीस में टिश्यू ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन. ऑर्गन्स तो बनेंगे बट ऑर्गन सिस्टम लैक करेगा, यानी ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट है. तो ये चीज क्लियर है कि ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बट इस ऑर्गन सिस्टम की एब्सेंस का लॉस क्या है इस फाइलम को, कि ना तो यहां सर्कुलेटरी सिस्टम है ना यहां रेस्पिरेटरी सिस्टम है. तो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर टोटली एब्सेंट, एंड इस चीज को मैंने यहां मेंशन भी किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर टोटली एब्सेंट, आर लैकिंग. क्लियर ना? तो फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीस में सर्कुलेटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी टोटली एब्सेंट है, बट ये एनिमल ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान शो करता है. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब, ये चीज हम लोग निडेरिया में भी पढ़ चुके हैं इन हाइड्रा, सेम इन प्लैनेरिया ऑल्सो, विच मीन्स ओनली वन ओपनिंग इज देयर विच इज माउथ फॉर इंजेशन एज वेल एज फॉर द इजेशन, यानी एंट्री ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट एक ही पैसेज से होगा. दैट्स व्हाई द टर्म ब्लाइंड सैक गिवन टू दिस फाइलम. बात समझ में आ रही है ना? ये बॉडी प्लान का ही एक पार्ट है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और ब्लाइंड सैक का मतलब ही हो गया ओनली माउथ बट नो एनस. तो माउथ से ही इंजेशन, माउथ से ही इजेशन. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट रिलेटेड टू फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीस, प्लैटिहेल्मिन्थीस से ही सेफलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. सेफलाइजेशन का मतलब होता है, सेफालिक्स मतलब योर हेड पार्ट, और हेड पार्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ योर ब्रेन, योर नर्व कॉर्ड, योर नर्व, एंड ये चीज स्टार्ट प्लैटिहेल्मिन्थीस से हुई थी. सो इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेफलाइजेशन, एंड सेफलाइजेशन का मतलब ही है द प्रेजेंस ऑफ हेड अलोंग विद अदर कंपोनेंट्स लाइक ब्रेन, नर्व. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चीज को आप प्लैनेरिया में देख सकते हो कि ये जो आईज प्रेजेंट है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है टू प्रूव सेफलाइजेशन एज वेल एज गैंग्लियन. तो गैंग्लियन को मासेस ऑफ नर्व सेल बोलते हैं. ओके, तो ये मासेस ऑफ नर्व सेल्स इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता है, इंफॉर्मेशन को पास भी करता है, और ये गैंग्लियन भी प्लैटिहेल्मिन्थीस के सिफिलाइजेशन वाले पार्ट में प्रेजेंट है. विच मीन्स कि जब बिगिनिंग ऑफ सिफिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो ये चीज देखिए यहां मैंने मेंशन किया है दैट नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हेड पार्ट. तो दिस इज द एंटायर हेड पोर्शन. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम हेड गैंग्लियन इज देयर, ये चीज आपको दिख रहा है. द थर्ड वन इज नर्व कॉर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नर्व कॉर्ड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, विच इज मार्क्ड बाय ब्लू, ओके, दिस इज नोन एज नर्व कॉर्ड. तो डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी में लेटरली ये नर्व कॉर्ड है. ओके, तो नर्व कॉर्ड के बाद ट्रांसवर्स नर्व, एंड ट्रांसवर्स नर्व का मतलब इस नर्व कॉर्ड से नर्व अराइज होंगी, एंड ये ट्रांसवर्स नर्व का चैनल बनाएगा. लाइक हमारी बॉडी में भी, बॉडी से जो स्टिमुलाई ब्रेन पे जाते हैं वो जाते हैं बाय सेंसरी नर्व. ओके, और जो इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स वो आता है बाय द मोटर नर्व. तो नर्व आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम टू रिसीव द स्टिमुलाई और टू प्लान एन एक्शन. बात समझ में आ रही है ना? तो देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ नर्व कॉर्ड, एंड ये चीज अगर आपने स्ट्रक्चर में समझा तो आई होप ये बहुत इजी हो जाता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना. तो नर्व कॉर्ड इज देयर, हेड इज देयर, गैंग्लियन, गैंग्लियन मीन्स मासेस ऑफ नर्व सेल, एंड आईज, रूडिमेंट्री आईज होती है प्लैनेरिया में, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए.
रुडिमेंट्री मीन्स आई स्पॉट्स आर देयर, बट हमारी आईज की तरह ये वेल डेवलप्ड आईज नहीं है. क्लियर ना. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है, मोस्टली एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लूक्स. फ्लूक्स भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ब्लड फ्लूक्स हो या लिवर फ्लूक्स हो. ओके अब ये जो फ्लूक्स हैं, फ्लूक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड फ्लूक्स का मतलब क्या हुआ, ब्लड फ्लूक्स का मतलब विच मेनली सक योर ब्लड फ्रॉम योर इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी. क्लियर ना. तो इट इज अंडरस्टूड दैट देयर एंडोपैरासाइट, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. और अगर एंडोसाइट है तो एंडोपैरासाइट्स है तो ये अंडरस्टूड है बॉडी कवर्ड होगी बाय थिक क्यूटिकल. बात समझ में आ रही है ना. और अगर फ्री लिविंग एक्टोपैरासाइट है, मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब बॉडी कवर्ड होगी बाय सिलिएटेड एपिथीलियम. बिकॉज आप तो जानते हो ना, सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. सो हियर द सीलिया, ये देखिए फ्री लिविंग वाले पार्ट में ciliated epidermis is there, so that cilia helps in the movement, that's why they are known as free living. But endoparasites mein they are lined by thick cuticle covering. Clear na. Ab baat pehle endoparasites ki karte hain, kyunki endoparasites ka matlab they live inside the body of host, and to obtain nutrition they require two important components, hooks which is mainly looks like sickle shape. They mainly helps to climb over the surface of the organs or internal body. तो hook का main function क्या है, they gives anchorage to climb over the internal organs. And number two, suckers means which suck the nutrients from the internal organs. तो endoparasites की ये two adaptations आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, hooks and suckers. Okay? तो parasites are provided with hooks and suckers for attachment and for the absorption of nutrients. Okay? ये चीज भी क्लियर. अब इसके excretion की बात करें तो एक specialized cell है which is known as flame cells or solenocytes. ये questions NEET में भी आता है कि how does the excretion of platyhelminthes takes place? तो simply by flame cells. Okay? तो flame cells are the specialized cells which is also known as solenocytes, and they are responsible for excretion as well as they maintain the level of fluid inside the body. So it is an osmoregulatory organ too. Okay, so flame cells ka function excretion and osmoregulation, and ye cheez main pehle bata chuka hu, circulatory and respiratory systems are totally absent. But ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉर रिप्रोडक्शन, दैट एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, एंड बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर प्रेजेंट ओवर द वन इंडिविजुअल, एंड दे कैन परफॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन. सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब सपोज इस वाले पोर्शन पे जहां पे इस मार्कर का कैप है, यहां मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो दे कैन डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ द हर्माफ्रोडाइट नेचर. बात समझ में आ रही है. बट कुछ फाइलम्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता. एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. बट यहां एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट एंड दे पोजेस सेल्फ फर्टिलाइजेशन. नर्वस सिस्टम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब प्लानेरिया का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट प्लानेरिया शोज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. तो रीजनरेशन इसका मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है. व्हेन बॉडी ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, सो द फ्रेगमेंटेड पार्ट रीजनरेट्स इट्स होल बॉडी. सो दिस इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानेरिया विच बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस. तो प्लानेरिया हैज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. क्लियर. बॉडी अनसेगमेंटेड है, ये चीज मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थीस के वॉर्म एंड अर्थ वॉर्म में ये मेजर डिफरेंस है. अर्थ वॉर्म कंसिस्ट ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स
एंड इनकी बॉडी में सेगमेंट्स आर टोटली एब्सेंट, सो दीज आर अनसेगमेंटेड बॉडी. क्लियर ना? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं. ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, दिस इज द फारिंग्स पार्ट ऑफ प्लेनेरिया, और ये फूड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है. माउथ इज देयर, ओके, एंड यहां पे इंटेस्टाइन. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी प्रेजेंट है, फारिंग्स भी प्रेजेंट है, एंड इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है. तो ये सारी चीजें आप प्लेनेरिया में देख सकते हैं. नर्वस सिस्टम का गैंग्लियन, आईज, हेड, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ, इवन नर्वस सिस्टम का नर्व कॉर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ, देन फारिंग्स, देन इंटेस्टाइन. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू एक्सप्लेन द प्लैटीहेल्मिन्थेस. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेड टू प्लैटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लूक्स भी आते हैं, लीवर फ्लूक्स भी आते हैं, एंड एक चीज तो आपको पता होना चाहिए ना कि इस फ्लूक्स में जो टेस्टिस का लोकेशन होता है, मैं प्लानेरिया में शो कर रहा हूँ बिकॉज प्लानेरिया में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बट फ्लूक्स की अगर ये बॉडी हो तो यहां पे टेस्टिस का लोकेशन होता है. ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? गोनाड्स जो हैं वो एंडोटर्मल है. सो आई होप प्लैटीहेल्मिन्थेस के कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया ये सेशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बहुत पॉसिबली जितना इजिएस्ट वे हो सकता है मैंने इसे समझाने की कोशिश की है. सो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, ये टॉपिक पसंद आया है, तो लाइक बटन को प्रेस करें, एंड जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एकेडमिक्स एज वेल एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन.